आज हम आपको ब्रेड कटोरी चाट बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, जिसके लिए मैंने बॉयल चना करके इसको ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, नमक मिर्ची, और आलू में बॉयल कर लिए, आलू में भी हल्का सा नमक मिर्ची मिक्स कर लिया है, और दो खीरे चॉप कर दिए हमने छोटे छोटे, और ये दो कैरी बहुत घिस लिए थोड़ी, और ये चटनी आ रही 2 टेबल स्पून, ये चटनी जो पीसते हैं आप लोग घर में, और 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला है, 1 कटोरी मीठी चटनी है। और अगर इसमें हमने चना ले लिया है और आपके पास अगर कॉर्न्स रखे हैं, कॉर्न्स इसमें डाल सकते हैं, कॉर्न्स अगर आलू कचालू जैसे आपने बनाए हैं जो बच गए हैं तो वो भी डाल सकते हैं, चना बनाया हो, चना बच गया हो, चना डाल सकते हैं। 1 कटोरी मैंने टमाटर लिया, 1 चॉप प्याज लिए, अब सबको हम मिक्स, ये हमने इसमें चना डाल दिया है, और इसी में टमाटर डाल दिया है, इसी में हम आलू डाल देंगे, हमने चना डाल दिया, आप कॉर्न्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स की जगह जो भी आपकी मर्जी है, जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं, फूड चाट में जो आपको दिल चाहे खाने का वो डाल देते हैं। फिर इसको मिक्स कर दिया, इसी में हम प्याज डाल देंगे, हमने इसमें प्याज मिक्स कर दी है, और इसी में हम खीरा मिक्स करेंगे ऐसे, इसी में हम कैरी मिक्स कर देंगे, इसी में हम हरी चटनी डाल देंगे, इसी में ज़रा सा चाट मसाला डालेंगे, अब हम इसको पहले मिक्स कर देंगे, उसके बाद मीठी चटनी, नमक हम इसमें डाल लें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने इतना डाल दिया क्योंकि सब चीज़ों में मिक्स है नमक, इसलिए ज़्यादा नहीं डाला। अब इसमें हम मीठी चटनी भी मिक्स कर देंगे, मीठी चटनी वो है, मेरी रेसिपी आपको देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके, मैंने मीठी चटनी बना के दिखाई है, अब वही वैसी चटनी बनाए तो बहुत टेस्टी चटनी होगी। अब ये चाट आपकी पूरी तैयार है, हरा धनिया भी डाल दिया, अब ये चाट तैयार हो गई है, अब इसके लिए मैं कटोरी बनाऊंगी ब्रेड की, फिर उसमें इसको सर्व करूँगी, ऐसे प्रेस करके ये ब्रेड इसे मिक्स, ऐसे पतली हो जाएगी थोड़ी थोड़ी पतली हो जाएगी जब इसको आप इसकी कटोरी बना लें, इतनी पतली हो जाएगी, तब उसके बाद हम यह कटोरा रखेंगे ऐसे ऐसे, कटोरा रख के इस तरह से हम इस तरह से करके ऐसे गोल बना देंगे, ये पूरी कटोरी बन गई है आपके, ये देखिए पूरी गोल कटोरी बनी, अब इसको हम बेक कर लेंगे ओवन में, अगर जिसमें आप केक बनाती हैं उसमें आपने इस तरह से बेक कर ली, आप ओवन में भी डाल के बेक कर सकते हैं, इस तरह का जो ओवन में कटोरी आ जाता है, इस तरह केक जो बनता है जिसमें उबाले के उसमें डाल के आप इसको इस तरह से कप केक की तरह कटोरियाँ बना लीजिए, जब कटोरियाँ बन जाएंगी बस इसी में ये सब चाट रखनी है, और इसमें ज़रा सा ऑयल डाल लगा के नीचे, और उसके ऊपर से ये रखा है, और उसके बाद ये हमने लगा दी थी, ये कटोरियाँ तैयार है पूरी, और उसके बाद इसमें चाट रखेंगे, उसके बाद से हो गई है, अब इसमें हम जो है ये रखेंगे चाट, इसको बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, इस तरह से हम निकाल निकाल के कटोरियों में रखेंगे ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, और उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे और चटनी डाल दी है, ये पूरी कटोरी आपकी ये देखें तैयार है, अब आप ऐसे खा सकते हैं उठा के, या ऐसे खा सकते हैं, इसके ऊपर से सेव भी आप डाल सकते हैं, ये करिए ऐसे करके सेव डालिए, ये देखिए आपकी कटोरी तैयार है।